चुनो, ऐसा न कर भगवत रूप बन जाएगा, परमात्मा उसे अपना रूप दे देगा, परमात्मा उसे अपने गुण दे देगा। तो हम नौकर किसके हुए? परमात्मा के एवं परमात्मा के संबंधियों के। जैसे विवाह होते ही कोई सास बन जाती है, कोई ससुर, कोई ननद, कोई देवर, कोई जेठानी, उससे पहले नहीं थे। कब बने? जब वह देवी पति की हो जाती है, तो जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं तो हमारे सारे के सारे संबंध परमेश्वर के नाते और हमारा कोई संबंध नहीं। क्योंकि हम परमात्मा के हो चुके हुए हैं, हम परमात्मा के नौकर हैं, अतएव हमारा संबंध परमात्मा के नाते सबसे। आप इन्हें परमात्मा का साकार रूप समझो तो प्रेम करो, सेवा करो। इन्हें परमात्मा समझो, सेवा करो। सास ससुर समझोगे तो गलतियां होंगी, वास्तविकता समझोगे तो फिर गलतियों का कोई गुंजाइश नहीं, सत्य समझोगे तो गलतियों की गुंजाइश नहीं। बहू के साथ व्यवहार की में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा के रूप देवी देख के गलती होने की संभावना नहीं। हम सब सेवक बैठे हुए हैं, नौकर बैठे हुए हैं। दो शब्द आए, सेवक एवं स्वामी। टटोलना चाहिए देवी सज्जनों अपने भीतर, हमारे अंदर सेवक भावना ज्यादा है या स्वामी भावना ज्यादा है? एक में दो भी हो सकती हैं, प्रायः होती हैं, प्रायः यही होती हैं। सेवक भावना तो घटती घटती घट जाती है, स्वामी भावना बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती है। जब हम चाहते हैं, एक सफाई करने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी चले, जो मैं कहूं वही हो, सब कुछ उसके अनुसार हो। ये भावना विकृत होती होती ऐसी भी हो जाती है कि सब कुछ मैं ही करूं और किसी को मौका ना मिले। तो सोचो अंदर क्या काम कर रहा है, सेवकाई काम कर रही है या स्वामित्व काम कर रहा है? ये सेवकाई नहीं रहती, तनिक सोच के देखो। कोई एक व्यक्ति हो ऐसा, किसी एक पे तो कटना ही पड़ता है, कोई एक हो, जहां दो हो जाएं क्या हालत होती होगी, और जहां अनेक ऐसे हो जाएं नहीं तो क्या हालत होती होगी। परमात्मा ऐसी दुर्दशा से बचाए, ऐसी सेवकाई से बचाए। प्रैक्टिकल बातें हैं ना जो आपकी सेवा में अर्ज की जा रही है। आदमी इन्हीं से सुरक्षित रहे तो फिर स्वामी जी की बातें समझ में आएंगी। स्वामी जी महाराज तो बहुत ऊंची ऊंची बातें लिखते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें लिखी हैं उन्होंने, पर हम अभी छोटी बातों से ही नहीं निकले, उन्हीं में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, उसी से निकल नहीं पाते हैं। संभव क्या कठिन बातें हैं। मेरा हुक्म चले, मुझे किसी को पूछने की जरूरत न पड़े, लोगों का फर्ज बनता है कि मुझे बताएं। काहे का सेवक रह गया, मैं तो सेवक नहीं। जिसके अंदर ये भावना आ जाए, ही आर शी सपोज टू टेल मी, कहा सेवकाई ये रह गई, सेवकाई नहीं है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है, सेवक बनना बहुत कठिन काम है, बड़ी कठिन चीज है ये सेवकाई। कुछ भी कहो, पहचान तो हमारी यही है, हमें बनना तो यही है। कितनी मौज है देवियों, बड़ी सरकार की नौकरी में आज एक युवक चर्चा शुरू कर लेते हैं, कल राम नाम के बहुत बड़े जापक गुरु का प्रकाश दिवस है, बधाई के साथ ही जो बाकी चीज रह जाएगी चर्चा कल कर लेंगे, आज शुरू करते हैं। एक युवक सडौल शरीर है, सुशील है, सभ्य है,
शिक्षित है, अनेक सारे गुणों का मालिक है, गरीब घर से है, माता पिता है, पुत्र है, एक जिद पकड़ी है, नौकरी करूंगा तो सबसे बड़ी भी करूंगा, कैसी विचित्र जिद है। माता पिता समझाते हैं, पुत्र हमारे राज्य में इस वक्त सबसे बड़ा राजा है, हमारी उनके पास कोई जान पहचान नहीं, हम प्रजा है और प्रजा में भी बहुत हल्की जाति के, हमारी अप्रोच नहीं वहां, हम राजा के दरबार में जा नहीं सकते, कोई ऐसा भी नहीं जो हमें पहुंचा दे, जिद छोड़, नौकरी कर, घर पर बेकार रहना अच्छा नहीं, और कुछ ना हो देवियों सज्जनों, बेकार आदमी का मन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, वाणी बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। व्यस्त रहना बहुत जरूरी है हर एक के लिए, हर एक भजन पाठ में जाप पाठ में व्यस्त नहीं रह सकता, सो कुछ ना कुछ, जिनको जिंदगी भर कुछ ना कुछ करने का अभ्यास होता है।